मोदी सरकार के सेकेंड टर्म के फर्स्ट बजट से पहले साल 2019 का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें। इस सर्वे में साल 2019-20 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% थी। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है तो लगातार 8% की रफ्तार बरकरार रखनी होगी। इस सर्वे के मुताबिक देश का वित्तीय घाटा 5.8% तक जा सकता है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6.4% पर था। जून 2019 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $422 बिलियन का हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में तेल के दाम में कटौती होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हुआ है। अच्छी विनिर्माण और निर्माण गतिविधि के कारण 2018-19 में औद्योगिक वृद्धि में तेजी आई है। साल 2018-19 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक आवक 14.2% बढ़ा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सेवा, ऑटोमोबाइल तथा रसायन क्षेत्र प्रमुख रहे हैं। सर्वे में न्यूनतम मजदूरी तय करने की एक रूपरेखा भी रखी गई है। सर्वे में कहा गया है कि एक बेहतर और प्रभावी न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। और इस सर्वे में 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 28.34 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि, वानिकी और मत्स्य में 2.9% वृद्धि का अनुमान है।